शांति। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक मुलाकात में। मित्रों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कहने को तो हम कह देते हैं कि भाई हेल्थ कम्स फर्स्ट, पर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये एक लास्ट प्रायोरिटी बन के रह जाती है। तो ज़रूरत है कि हम इसके महत्व को अच्छे से समझें और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे छोटे बड़े उपाय ढूंढते रहें जिससे हमारी हेल्थ दिन प्रतिदिन सुधरती जाए। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है हमारे मेहमान डॉक्टर राजेंद्र राठौर जी। आइए शो में उनका स्वागत करते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कहते हैं कि हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा हमारा धन है, हमारा एक प्राइम एक ड्यूटी है कि अपनी हेल्थ को हम ध्यान रखें। सरकार भी इसे एक की एरिया मानती है, इस पर ध्यान देती है, बहुत बहुत कुछ काम भी हुआ है, हम देख भी रहे हैं। वर्तमान समय अभी क्या सिचुएशन है, आप थोड़ा हमें बताएंगे। ये सही है कि हमारे शास्त्रों में लिखा पहला सुख निरोगी काया, और हमारे स्वास्थ्य के मापदंड भी बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे हेल्थ इंडिकेटर भी तय किए। हिंदुस्तान भी उन सिग्नेटरी कंट्रीज में था जिसमें हमने ये सब ने मिलकर गोल रखे थे, जिन गोल तक पहुंचने का काम, चाहे वो हमारी शिशु मृत्यु दर हो, मातृ मृत्यु दर हो, हमारे संस्थागत प्रसव हो, हमारा माइल न्यूट्रिशन हो। पर ये बात सही है और स्वीकार करनी पड़ेगी कि राजस्थान आज भी अपने हेल्थ इंडिकेटर को MGD की गोल के अनुसार, MDG के गोल के अनुसार पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए हम बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में खड़े हैं। परंतु जब तक मैं यहाँ के पिछले 2.5 वर्ष की यात्रा को देखता हूँ, जब से सम्मान्य वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बजट के अंदर 300% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई जी। और पहली बार गरीब व्यक्ति को निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने दिया। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हमने प्रारंभ की और राज्य के 67% लोगों को ये अधिकार दे दिया कि वो भामाशाह कार्ड दिखाकर अपनी 1700 बीमारियां 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का 611 निजी चिकित्सालय में भी सरकारी चिकित्सालय के अलावा इलाज करा पाए। बड़ी कई चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे भीषण चुनौती हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, बिगड़ता हुआ पर्यावरण, बदलती हुई जीवन शैली। अभी हाइपरटेंशन जो तनाव से आता है, हमने राजस्थान में आरोग्य राजस्थान एक अभियान चलाया और उसके अंतर्गत हमारे ANM और आशा बहनें 1 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले घरों पर दस्तक दी उन्होंने। उसके बाद हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हमने कैंप लगाकर और जांच की कि कितने लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हैं, और इन सब के परिणाम 19 लाख लोग उन कैंपों में आए, 1,24,000 उसमें अलग अलग बीमारियों से ग्रसित मिले। पर आंकड़े जो मिले, राजस्थान के गाँव में हर 8वां व्यक्ति मधुमेह से, डायबिटीज से पीड़ित है, हर 7वां व्यक्ति हाइपरटेंशन से पीड़ित है, हमारी महिलाएं 23% एनिमिक है। अब इस प्रकार की स्थिति है जी। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दोष हमारा बिगड़ता हुआ पर्यावरण के साथ हमारी बदलती हुई जीवन शैली। हम दूर हो गए श्रम से, संयुक्त परिवार टूटते चले गए। मैं समझता हूं कि जब पूर्व में संयुक्त परिवार के अंदर ध्यान और योग के साथ परिवार जुड़ता था, शाम की संध्या करता था, पूजा करता था, अर्चना करता था, आपस में दुख दर्द बांटते थे, इसके कारण से तनाव कम, और तनाव कई बीमारियों की जड़ है, इस कारण से इस प्रकार का की स्थिति पैदा हुई है। परंतु फिर भी राजस्थान ने इन वर्षों में अपने स्वास्थ्य मापदंडों से लेकर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से स्वस्थ राजस्थान, आरोग्य राजस्थान, इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए और काफी कदम आगे बढ़ाए। सर, एक बात देखने में हर बार आती है कि मतलब जो रूरल एरियाज है, गांव खेड़े हैं जहाँ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, औरतों की एजुकेशन नहीं है, उनको कोई भी तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जाती। तो और वहीं हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ पर हर तरह के कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे हम चीज़ें यूज कर रहे हैं, बड़ा सा गैप बनता जा रहा है। तो कैसे हम उसको और अवेयर करें, मतलब बीमारियाँ हो रही हैं जो कि हमारी जो जीवन शैली जो बिगड़ गई है, इन सबके कारण जो कुछ हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं, बट इसको प्रिवेंट करने के लिए, जो अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है, और हम कहते भी हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त आ जाती है कि हम उसको बीमारियों की रोकथाम के लिए जिस व्यक्ति को, जिस महिला को चैतन्यशील करना चाहते हैं, वो खुद ही असाक्षर हो, अशिक्षित हो। आज राजस्थान के अंदर महिलाओं की साक्षरता 67% है,
33% महिला काला अक्सर भैंस बराबर जी, पुरुषों की जो है वो 73% है। ऐसे वातावरण के अंदर हम ये सोचें हम उनको यहाँ अपनी बात को कहकर उन्हें चैतन्य कर दें, उनको उनकी जीवन शैली में परिवर्तन, उनकी चीजों से वो बचें, उसके लिए प्रेरित कर दें, एक चुनौती है। फिर भी राजस्थान की सरकार ने कठपुतली नाटक, नुक्कड़ नाटक, छोटे छोटे जिंगलर्स, छोटे छोटे सीधी सरल भाषा के अंदर पोस्टर, इनके भाषण के अनुसार कोशिश हम कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर करें। पर कई बार अब जिस प्रकार राजस्थान के अंदर 42,000 गांव है, 42,000 गांव में 36,000 गांव के अंदर जो पीने का पानी है वो ग्राउंड वाटर है, और ग्राउंड वाटर के अंदर आप देखोगे फ्लोराइड और नाइट्रेट्स ज्यादा है। फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जहाँ ज्यादा होंगे वहाँ किडनी से संबंधित रोग फैलेंगे, ये मेडिकल साइंस की स्टडी बता रही है। तब उनसे कैसे बचे कोई आदमी? बड़ी संख्या के अंदर लोग नशे के आदि होकर कई प्रकार की बीमारियां आमंत्रित कर लेते हैं। हमारे सामने बड़ी चुनौती रहती है जब बड़ी संख्या में श्रमिक लोग जो खनन के काम में लगे हैं वो उनको पता नहीं कि आज के नियमों के अनुसार वेट ड्रिलिंग होनी चाहिए, पानी डालकर ड्रिल करना चाहिए, पत्थर तोड़ना चाहिए, पर सीधे पत्थर टूटते हैं। साइक्लोसिस बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं, न्यूमोकोसिस और दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, कई प्रकार की चुनौतियां। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप काम तो काफी क्षेत्र में कर रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? और अगर नहीं है तो और क्या आपको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जन चेतना की कोशिश कर रहे हैं। हमने हर ग्राम पंचायत पर स्वास्थ्य सलाहकार समितियां बनाई है, स्वास्थ्य सलाहकार समिति को हमने फंड दिया है, आपस में बैठकर हमारी एएनएम और हमारे दूसरे स्वास्थ्य वर्कर के साथ खुली चर्चाएं करते हैं, अपनी भाषा में चर्चाएं करते हैं, खान पान की चर्चा करते हैं, हाइजीन की चर्चा करते हैं, इन सब की चर्चा का परिणाम धीरे धीरे आने लगा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, पहले कभी परिवार कल्याण परिवार नियोजन के नाम पर लोग भड़कते थे, आज अपने आप ही छोटे परिवार का कंसेप्ट सामने आ गया। पहले कभी किसी को कह देते थे आपको रक्त का दान करना है तो घबराते सर, ये जो छोटे परिवार की बात है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट जितने प्रोग्राम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन तक ही आपको नहीं लगता कि सीमित रह जाते, गांव में लोग अवेयर हो जाएं, ये कितना होता है आप थोड़ा वो पुराना जमाना चला गया। आज आप हर गाँव में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल देखोगे जी, समय बदला है और समय के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं। हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कल्चर में और रूरल बेस उसके कल्चर में फर्क है। पर है, पर फिर भी आज भी गांव का हर व्यक्ति अगर बीमार होता है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाने से पहले उस स्पेशलिस्ट को ढूंढना चालू कर देता है। कुछ जागरूकताएं है और इसके कारण से कुछ बदलाव भी है। आपका यहाँ आना कैसा रहा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहली बार ऐसे समर्पण और सेवा और संकल्पित लोगों से मिलने का मौका मिला। तिनका तिनका जोड़ के आशियाना बनाने वाले उन लोगों के सहयोग से शुरू हुई, किसी ने कुछ सहयोग दिया, किसी ने कुछ सहयोग दिया, पर जिस प्रकार का डेडिकेशन और जिस प्रकार का मोटिवेशन स्टाफ में मैंने देखा लोगों के लिए, मैं समझता हूँ कि एक नरमे नारायण की सेवा का बात को अगर चिरतार देखने तो ग्लोबल हॉस्पिटल से देखने को मिली। आज यहाँ सिटी स्कैन का उद्घाटन भी उन्होंने मुझसे करवाया, यहाँ आई के अंदर फेको मशीन और दूसरे आधुनिक उपकरणों का उद्घाटन भी उन्होंने करवाया। अच्छा लगा, और जब और अच्छा उस समय लगा जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ये इन पैनल हॉस्पिटल के रूप में जुड़ चुके हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र बिंदु है उस गरीब की सेवा करना जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पाए, उसके साथ आप ये ग्लोबल हॉस्पिटल इन पैनल हुआ है। और मैंने तो आमंत्रित किया उनको कि हमारे माउंट आबू के अंदर जो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल है उनको अडॉप्ट करें, सरकार उसमें सहयोग करेगी। अच्छा लगा। आज मैंने एक प्रस्ताव उनके सामने और रखा है। राजस्थान सरकार ने एक नवाचार किया है, हमने हमारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हर ब्लॉक में एक को हमने वेलनेस सेंटर के रूप में बदला है। वेलनेस सेंटर के रूप में बदलने के साथ साथ जहाँ 24 घंटे स्वास्थ्य की सेवाएं मिले वहाँ एलोपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, सुबह हमारा हॉस्पिटल 6 बजे योग और साधना से प्रारंभ करके और उसके बाद हम सारी अपनी एक्टिविटीज करते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, किस बीमार व्यक्ति को कौन से योग से, कौन सी साधना से, किस प्रकार मेडिटेशन से उसको जोड़ा जाए, उसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। अभी 15 अगस्त से हमने प्रारंभ किया है
दो महीनों के जो परिणाम है बहुत अच्छे परिणाम आए। मैंने ये भी प्रस्ताव रखा है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ की डेडिकेटेड टीम उन पर भी विचार करेगी। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने हमें अवेयर किया कि एक्चुअली किस तरह की सिचुएशन है अभी प्रेजेंट में और क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने जो बताया कि आपने ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के कुछ और भी आप फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ हो, समाज में एक बड़ा परिवर्तन आए और सशक्त समाज बने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो मित्रों आपने सुना कि कैसे सरकार भी इस कोशिश में लगी रहती है कि कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ सुधरता जाए, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी हमें सुविधाएं हैं वो प्राप्त कराती रहे। तो इसके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि हम अपने नज़दीक के अस्पताल में जाएं और पता लगाएं कि कौन सी स्कीम्स चल रही है, हेल्थ स्कीम्स चल रही है, कौन से हेल्थ प्लान्स चल रहे हैं। तो हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि हर पल जागरूक रहें और इन सभी स्कीम्स का उपयोग करें, उपभोग करें और बनाए एक स्वस्थ सुंदर समाज। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ हम आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। ओम शांति।